गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस सुबह उठ के ही मैं फटाफट से पहुंच गई हूँ यहाँ पे। अभी तो वैसे 10 बज चुके हैं, एक वीडियो में मैंने जो है एडिटिंग की अभी तक। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना फंक्शन यहाँ पे शेयर करूँगी। हमारे ना शादी से पहले जब घर में शादी होती है, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ दिनों बाद जो है हमारे घर में शादी है। अभी तो जो है महीना है पूरा एक शादी के लिए, लेकिन जो है आज उसकी पहली तैयारी शुरू हो गई है। वो तो मैं सुबह शेयर नहीं कर पाई, जो भी होता है हमारा ट्रेडिशनली धूपबत्ती, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ नहीं थी, मम्मी के घर गई थी। रौनक जो है आया ही नहीं, रौनक वहीं रह गया है। मुझे भी लगा चलिए बीच में फिर उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अप्रैल से, फिर वो नहीं जा पाएगा तो मैंने उसको वहीं रख दिया है। दो तीन दिन के बाद देखती हूँ चली जाऊँगी उसको लाने, या एक दो दिन के लिए फिर वहीं रह जाऊँगी। अभी है हमारे पास टाइम, उसके पास भी फ्री टाइम, तो मैं आ गई फटाफट और अभी चले जाऊँगी। मैं चाचा जी की बेटी है, उनकी शादी है तो अप्रैल में उनकी शादी है एंड तक, तो आज जो है लकड़ियाँ काटेंगे। थोड़ा बहुत वो ही रहेगा काम करने का, बस झाड़ू वो क्या बोलते हैं खाना वगैरह बनाने का। ज़्यादा तो वैसे हमारा कुछ होता नहीं है, जो गांव वाले होते हैं ना वो कट करते हैं लकड़ियाँ। सारा गांव आज इकट्ठा होता है, जो हमारे गांव के हैं, बिरादरी वाले जो होते हैं, जो घर के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो खाना वगैरह बनाते हैं, फिर खाना वाना होगा। तो चलिए गाइस मैं पहले ही लेट हो गई क्योंकि एक वीडियो में मैंने एडिटिंग कर दी। मैं जाती हूँ वहाँ पे, पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो रहने दूंगी। चलिए चलते हैं आपको। तो चाची यहाँ बतेरा है, ये भी कहा चला लून पाओ इधर आएगा। सो गाइज ये वाला जो खाना बन रहा है ना, ये हमारे अपने लिए बन रहा है, जो लकड़ियाँ काट रहे हैं उनके लिए दिन के लिए लंच बनेगा। और यहाँ पे वो कोई नहीं है क्योंकि वो लोग जो है लकड़ियाँ काटने गए हैं, हम यहाँ पर घर के ही लोग हैं जो बस खाना बनाएंगे। ये जो है भांजे हैं मेरे, और ये वाला भी, ये भी भांजा है। सो गाइज यहाँ पे ना ये डांस कर रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ घर शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा बिजी थी आज, इसलिए ज़्यादा जो है मैं घर का भी वीडियो नहीं बना पाई, और हो जाता है ना थोड़ा सा फिर। और ये देखो यहाँ पे इसका आद्विक का डांस निकलने लग गया है। ये है मेरे हस्बैंड की दादी, मतलब कि मेरे भी दादी, और आगे जो है डैडी जी ही बैठे हुए हैं, मुझसे हाल चाल पूछ रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, इसीलिए मैंने म्यूट कर दी है इनकी आवाज़, क्योंकि यहाँ पे साथ में आद्विक का डांस हो रहा है। और आप लोगों ने बोला था ना कि देवर से भी मिलाइएगा, ये भी मेरा देवर ही है एक, तो इसको पूछ के मैंने वीडियो में लिया है। तो यहाँ पर हम खाना बना रहे थे अभी, तो इसको भी ले लिया है। आप लोगों को पसंद है ना फैमिली मेम्बर, तो जिनको लेती हूँ पूछ के ही ले लेती हूँ। बस खाना बन रहा है आज यहाँ, यही था। हम लोग जो है सलाद कट रहे हैं, सब्जी कट कर रहे हैं, चाची सास है, मम्मी है और मैं हूँ। बाकी जो जेंट्स लोग हैं वो सारे जो हैं घास काटने गए हैं, चावल बनाए जा रहे हैं, बस यही काम होगा आज यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा कैमरामैन आज मेरी देवरानी मतलब कि गिरिजा बनी हुई है। मैंने उसको बोला कि थोड़ी सी वीडियो बना दो, क्योंकि बार बार ना संभव नहीं होता है अपने साथ जो है ट्राईपॉड ले जाना और सेल्फी स्टिक वगैरह ले जाना, तो मैंने उसी को ही बोल दिया। और काफ़ी अच्छी मतलब कि उसने व्लॉगिंग की है, चलिए आपको भी सुनाती हूँ थोड़ी बहुत। पहले यह छोटू दी, यह है सासू माता है और यह सब्जी काटी जा रही है और ये है जो आज कैमरा ये कनी कनी आ गया आज अंदर ये नाच रहा है
मेरी वीडियो बनाओ लास्ट बारी। इसको बस एक ही है तेरी वीडियो बनानी है आज बारी। वो तेरा फोन आज बार सही है ना बार गया ना पीछे बोल रहा है फोन ये था जी गिरी जा फोकस नहीं रुको अब करो ये था अभी तक का प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाय पी लो नहीं बोलना जब इस तरह से शादी वगैरह का माहौल होता है ना हम इकट्ठे हो जाते हैं और बस इसी तरह से ही होता है सब कुछ। और कुछ लोगों को जानना होगा कि शादी किसकी है तो गाइस वो यहाँ नहीं है, जब वो आएगी तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर दूंगी क्योंकि आज के जो फंक्शन में है ना दुल्हन का कोई काम नहीं होता है, बस शादी से पहले जो है लकड़ियाँ कट कर दी जाती है ताकि शादी तक सूख जाए। हेलो सर और देखिए ये लंच के लिए दाल भी बन गई है और साथ साथ में रोटियां भी बन जाएंगी। गाइस जिनके लिए खाना बन रहा है ना वो अभी काम कर रहे हैं, मतलब कि जो है लकड़ियाँ कट कर रहे हैं, लकड़ियाँ ढो रहे हैं। जो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी जितना थोड़ा बहुत दिखा लूँगी क्योंकि फिर हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो यहाँ का भी फिर अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे फिर मुझे भी काम करना होता है। शादी में जो है थोड़ा एक दो दिन के लिए रिलीफ मिल जाता है, उस दिन का मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर दूँगी, तो वो तो मेरा काम ही है। एज यूजुअल मेरा फेस जो है ऑयली है, खाना बनाते बनाते बहुत सारा ऑयल निकल गया है। अभी तक जो है मैं और मेरी एक जेठानी बड़े वाली जो मैंने पहले दिखाए थे ना वो जो दाल बना रहे थे वो रोटियां बना रहे थे, हमने इतनी सारे फुलके बना दिए हैं। अब जो है देवरानी और मामी बनाएंगे, मैं थोड़ी देर जो है रेस्ट करने चले जाऊंगी। यही है साथ में मेरा घर भी जो नया बना है ना छोटा सा वन रूम, तो वहां चले जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ ढो के रखती है बहुत सारी लकड़ियाँ, अभी ढो रहे हैं यहाँ देखिए ये भी। और जो येलो टी शर्ट में आपको दिख रहा है ना ये भी मेरा एक देवर है, तो बाकियों को तो मैं वीडियो में नहीं लाती रहूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को जो है अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, होता ही है ना जैसे ही हम ग्रो करते हैं। थोड़ी देर ना यहाँ आ गई हूँ रेस्ट करने, खाना वाना जो है बना दिया है, हलवा वगैरह भी, हलवा जो है उन लोगों ने बनाया, हम फुलके बना रहे थे। ऐसे ही होता है मिलजुल के सारा काम, और काम जो होते हैं ना हमारे गांव वाले करते हैं। कोशिश करती हूँ, बिंदी टेढ़ी हो गई है अंदर ना वो ऑयल ऑयल निकल जाता है। हमारे में ना ऐसे ही होता है, जो मतलब कि गांव वाले होते हैं वो बाहर का काम करते हैं, हम जो है सिर्फ खाना वगैरह बनाते हैं। तो वो पूरा ही रेडी हो चुका है, पूरे 2 बजे हैं अभी, अभी जो है सब खाना खाएंगे। अब हमने तो पहले अपने लिए भी बनाया, अब जो बना होगा ना मैं वो यहाँ से जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे, लकड़ियाँ वगैरह एक जगह ढो दी जाएंगी, 1 महीना पहले इसीलिए कट होती है ताकि उस दिन के लिए वो सूख जाए। वैसे सर्दियों में ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत होती है, अभी उतनी ठंड तो है नहीं, लेकिन अगर बारिश होगी ना तो रात को बहुत ठंड लगती है आग वगैरह सेकने के लिए, और भी जो भी होता है। तो बहुत सारी लकड़ियाँ कटती है, 3 पता नहीं कितने सूखी लकड़ियाँ कटती है, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। और बाकी गाइस फिर मिलती हूँ आपसे, चलिए आप देख लीजिए कि कैसे मतलब कि खाना वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह जो ढो रहे हैं ना, अभी कोई आते हैं जाते हैं, पहले सुबह कट की मशीन से कट होती है, मुझे फिर वो मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि यहाँ से वो काफ़ी दूर जैसे है, फिर वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ पे भी काम होता है। और ना मैंने आप लोगों के साथ आज शादी की एक नई वो शेयर की है, मतलब कि शुरुआत, अभी शादी में तो टाइम है तो वक्त सही रहेगा, हालात सही रहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लड़की की शादी है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसमें वो होते हैं, और चुटकी ना मेरे साथ जुड़ी हुई भी काफ़ी है, बहुत उसके साथ लगाव जैसा है, तो थोड़ा दुख भी लगता है ना। चलिए फिर शादी तो करनी ही है, पूरा दिखाऊंगी मैं आप लोगों के साथ, ज़रूर शेयर करूंगी। चलिए फिर गाइज, मुझे ना सच्ची में ही अगर कोई, अब ना मैं पूछती ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कि
जितना मुझसे हो पाएगा ना उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी ज्यादा। फिर कोशिश तो मेरी यही होगी क्योंकि ये तो मेरे अपने ही घर की शादी है। गाइस फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। कैन यू हियर, कैन यू हियर, कैन यू हियर माय वॉइस कमिंग थ्रू, कमिंग थ्रू, कमिंग थ्रू द नॉइस। हेलो, बस ये मेरी ननद है और हम ना क्लासमेट भी हैं। गाइज है नहीं थी और यहाँ देखिए गांव वाले जो हैं अब खाना खाने बैठ गए हैं। थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई है, ज़्यादा मैंने ही बनाई है। 4 बजे हैं और अभी जाके हम फ्री हुए हैं। मैं क्या करूँगी अब, मैं आराम से सो जाऊँगी यहाँ पे, फिर शाम के टाइम नीचे चल जाऊँगी। मम्मी डैडी चल गए हैं, खाना जो बचा हुआ था ना वहाँ पर वही हो गया है सबके लिए। हो जाता है ना थक जैसे जाते हैं तो यहाँ बैठ के, क्योंकि यहाँ पे भी ना रूम के इतने बुरे हाल है ना, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से गए थे हमने ये ऐसे ही हर कैसे ही रखा था। कल मैं क्या करूँगी यहाँ साफ सफाई करूँगी, फिर परसों मैं रौनक के पास जाऊँगी क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं ना, तो वहीं रहूँगी 1-2 दिन, उसके बाद फिर आऊँगी और फिर देखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि कल ना डैडी जी को हॉस्पिटल भी लेके जाना है, हस्बैंड जो है घर आए हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो भी रेस्ट। हाँ, और वीडियो में ना मैं सबको नहीं ले पाई, होता ही है ना क्योंकि मैं खुद भी काम कर रही थी और फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसे सबके सामने फिर वीडियो बनाते रहना। और फिर जिसका मुझे लगता है ना कि ये लोग आ जाएंगे फिर उनको ही मैं पूछती ही नहीं हूँ किसी को। कुछ लोग तो खुद से ही मना कर देते हैं कि हमें वीडियो मैंने लेना, बल्कि जब मैंने किसी को ऐसे वैसे लिया ही नहीं, मुझे पता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। हालांकि जब मतलब कि चलिए गाइस बिजी थी ना, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, होता ही है ना। एक फिर रहता भी है कोई लोग जो होते हैं ना सुपर सुंदर होते हैं वो नहीं आना चाहते वीडियो में, फिर हम ज़बरदस्ती किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने जो है ज़्यादा किया। वैसे कोशिश की मैंने आप लोगों को दिखाने की कि हमारे ऐसे ऐसे होता है, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी वो बहुत दूर था इसलिए वहाँ नहीं जा पाई, और अभी आधी जो है ढोली है आधी ढो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ही चला हुआ है। तो चलिए गाइस अब जो है जब शादी होगी तब आपके साथ और थोड़ा बहुत जितना मुझसे बन पड़ेगा शेयर करूंगी, क्योंकि काम करना पड़ता है शादियों में, ऐसे बैठ के नहीं रहना पड़ता है। तो चलिए गाइस मिलूंगी मैं भी एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और ना मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है ना, वो पता है क्या बोलती है कि मैं डेली ही मतलब कि तेरी बेटी का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करती हूँ, तो डेली सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना होता है, जब वो रेड होगा ना तब दबाना होता है, अदरवाइज वो फिर वाइट हो जाता है। चलिए गाइस फिर मिलूंगी नए वीडियो में। वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।